उधर यूपी के बलिया में योगी के मंत्री उपेंद्र ने समाजवादी पार्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा है। उन्होंने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए तीखा प्रहार किया है। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और आतंकवादियों, अपराधियों, असामाजिक तत्वों से पुराना संबंध रहा है। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेती है। इस समय देश में जो लोग आगजनी तोड़फोड़ कर अराजकता फैला रहे हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी पेंशन देने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों का पुराना वास्ता रहा है आतंकवादियों से, अपराधियों से, असामाजिक और अराजक तत्वों से, और जिसका जीता जागता उदाहरण है इधर माननीय राम गोविंद चौधरी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जिन्होंने राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमला जिन आतंकवादियों ने किया था, जो कचहरी के अंदर हमला किया था, उन आतंकवादियों का भी मुकदमा वापस करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। तो जो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर आगजनी कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, अराजकता फैला रहा है, तो उनको पेंशन देने का काम, उनको संवैधानिक अधिकार देने का काम अभी माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने कहा है तो बहुत कम किया है। अगर आतंकवादियों से तुलना किया जाए तो बहुत कम बोले हैं, और इसलिए उनको